बाद में एक्सप्लेन करूंगी। तो होमोजेनियस मिक्सचर्स जो होते हैं उनको आप क्या, मैंने बोला था कि उनका अदर नेम क्या होता है, सॉल्यूशन भी आप उन्हें कह सकते हैं। अच्छा अब इनके जब डिफरेंसेस देख लेते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। होमोजेनियस मिक्सचर की जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट, मतलब कंपोजिशन होती है वो आप जहां से भी देख लो वो सेम लगेगी, लेकिन इनकी जो कंपोजिशन होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, वो यूनिफॉर्म नहीं होती। इसकी एग्जांपल मैं आगे आपको दूंगी, इसको सही तरीके से इस पॉइंट पे एक्सप्लेन करते हैं। इसका सेकंड पॉइंट क्या है कि प्लेस टू प्लेस कंपोजिशन इज सेम, इज सेम। यही मैंने अभी आपको बताया कि जो इनकी कंपोजिशन होती है वो क्या, प्लेस टू प्लेस आप किसी भी एंगल से देख लोगे ना इसकी कंपोजिशन आपको जो है वो सेम लगेगी, लेकिन इसकी जो प्लेस टू प्लेस कंपोजिशन होती है वो वैराय करती है, मतलब इसकी जो है वो हर प्लेस टू प्लेस की कंपोजिशन जो है डिफरेंस आता है। थर्ड पॉइंट ये है कि कंपोनेंट्स आर नॉट इंडिविजुअली आइडेंटिफाइड। इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इंडिविजुअली जो है वो आइडेंटिफाई आप नहीं कर सकते, किसके अंदर, होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर। मिक्सचर मैंने अभी आपको बताया था कि मिक्सचर क्या कहलाता है, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स को अगर आप मिला दो तो उससे जो आपका सब्सटेंस बनता है वो क्या कहलाता है, इम्प्योर होता है। अब वो होमोजेनियस होता है कि वो हेटरोजेनियस, तो वो उसकी कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि इसकी कंपोजिशन सेम है तो मतलब वो होमोजेनियस मिक्सचर है प्लेस टू प्लेस। अब इसके कंपोनेंट्स को आप इंडिविजुअली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, यानी कि जब भी आप उन दो चीजों को जिससे ये होमोजेनियस मिक्सचर बना है, अगर आप इस मिक्सचर को देखोगे तो आप ये नहीं बता पाओगे कि इसके अंदर कौन कौन सा आपने कंपोनेंट को ऐड किया हुआ है या इसके कंपोनेंट जो है वो किस तरीके से जो है वो अलग आपको दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप हेटरोजेनियस मिक्सचर में देखोगे और उसके कंपोनेंट्स को आप जो है वो देख के ही आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि हाँ यार इसके अंदर आपने ये भी डाला, इसके अंदर आपने ये भी डाला, इसके अंदर आपने ये भी डाला, तो इसके आपने जो कंपोनेंट्स को आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो इंडिविजुअली, लेकिन इसके कंपोनेंट को आप अलग अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते इनके, या फिर इसको जो है वो इंडिविजुअली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी होमोजेनियस मिक्सचर की। होमोजेनियस मिक्सचर्स में आपके पास क्या आता है, ह्यूमन ब्लड, ब्लड जो है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है। ब्लड में बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, बहुत सारे आयन्स होते हैं, वाटर होते हैं और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन क्या आप ब्लड को देख के बता सकते हो कि कौन सा कंपोनेंट जो है वो इसके अंदर शामिल है या कौन से इसके अंदर जो है मिसिंग है, आप नहीं बता सकते कि किस इस ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट जो है वो ऐड हुए हैं। इसके अलावा मिल्क देख लेते हैं, मिल्क के अंदर भी बहुत सारी चीजें जो है वो इसके अंदर होती हैं, लेकिन आप इसको बजाहिर देख के आप यही नहीं बता सकते कि मिल्क किन किन चीजों से बना हुआ है। थर्ड आपकी एग्जाम्पल आती है हनी, हनी को भी आप देखोगे तो ऊपर से नीचे तक वो बिल्कुल तीनों चीजें ये ऊपर से नीचे तक सेम होती है, इसके आप कंपोनेंट्स को अलहदा नहीं कर सकते, इसको आप कह सकते हैं कि आप इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते या सेपरेट इसके सॉल्यूशन से नहीं कर सकते, वो बिल्कुल आपस में डिसॉल्व होते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ऐसे मिक्सचर को आप क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। हमारी आगे जो एग्जाम्पल आती है वो आती है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का क्या मतलब है कि मैंने एक वाटर लिया उसके अंदर जब NaCl क्या कहलाता है, सॉल्ट कहलाता है, टेबल सॉल्ट। NaCl को मैंने उसके अंदर नमक को मैंने पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया, अगर जब तक मैं उसको डिसॉल्व नहीं करती, लेकिन मैं अगर उसको पानी के अंदर डाल देती और डिसॉल्व ना करती तो वो जब तक एक हेटरोजेनियस मिक्सचर था। ये एक एमसीक्यू भी बन सकता है कि अगर वो डिसॉल्व ना हो तो क्या कि वो होमोजेनियस होगा या हेटरोजेनियस होगा, अगर वो अनडिसॉल्व होगा तो जाहिर है कि वो क्या है, हेटरोजेनियस मिक्सचर। वो क्यों है, क्योंकि आप उसको उस नमक को पानी से निकाल सकते हो, लेकिन जब मैंने उसको डिसॉल्व कर दिया, जैसे ही मैंने उसको डिसॉल्व कर दिया पानी के अंदर, वो हेटरोजेनियस मिक्सचर से कहाँ कन्वर्ट हो गया, होमोजेनियस मिक्सचर। तो एक्वस सॉल्यूशन से कहते हैं कि जिसके अंदर वाटर के अंदर अगर NaCl डिसॉल्व है तो वो क्या कहलाएगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अदर एग्जांपल आपके पास होमोजेनियस मिक्सचर की पेट्रोलियम, पेट्रोलियम भी है ये कि आप ऊपर से नीचे से वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, उसके भी आप कंपोनेंट्स को जो है वो आइडेंटिफाई या अलग से सेपरेट नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं हेटरोजेनियस मिक्सचर पे। हेटरोजेनियस मिक्सचर्स की एग्जांपल मैंने आपको ये बता दी कि नॉन यूनिफॉर्म होता है, प्लेस टू प्लेस इसकी कंपोजिशन क्या होती है, वराय होती है। थर्ड इसका पॉइंट ये था कि जो कि इसके कंपोनेंट्स है वो इंडिविजुअल
कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, देख के ही बता सकते हो ऐसे मिक्सचर को कि आपने इसके अंदर क्या क्या डाला हुआ है, किन किन कंपोनेंट से ये मिक्सचर बना हुआ है। इसकी एग्जांपल भी क्या आ जाता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर की, इसकी एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया कि जब तक NaCl वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं है लेकिन वो उसके अंदर डला हुआ तो है, एक ग्लास है उसके अंदर मैंने पानी लिया उसके अंदर NaCl डाल दिया लेकिन मैंने उसके अंदर अभी उसको स्टेन नहीं किया, जब तक मैंने उसको स्टेन नहीं किया और वो डिसॉल्व नहीं हुआ तब तक वो क्या है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। जब मैंने यहाँ पे लिखा है NaCl प्लस वाटर व्हेन नॉट डिसॉल्व, ठीक है, जब तक NaCl वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं है तब तक वो क्या है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। अदर एग्जाम्पल इसकी मिट्टी, सैंड एंड वाटर, मिट्टी को आप पानी में जो है डालो उसको स्टिर करो, बहुत ज्यादा वेल स्टिर करो, बहुत टाइम तक स्टिर करते रहो, लेकिन वो मिट्टी पानी में हल नहीं होगी, फिल्टर पेपर के थ्रू आप सैंड को वाटर से जो है वो सेपरेट कर सकते हो। इस जो है वो सेपरेशन का प्रोसेस हेटेरोजेनियस मिक्सचर में जो है वो पॉसिबल होता है, लेकिन होमोजेनियस मिक्सचर में जो है वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस या सेपरेशन का प्रोसेस आप कह लो या एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस आप कह लो, ये पॉसिबल इसके अंदर नहीं होता, हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स में होता है। फिल्टर पेपर के थ्रू आप सैंड को वाटर से अलग कर सकते हो क्योंकि वो उसके अंदर डिजॉल्व नहीं होती, और जब तक कोई चीज किसी जैव सॉल्वेंट में डिजॉल्व ना हो उसको आप सॉल्यूशन नहीं कह सकते, क्योंकि सॉल्यूशन कहते ही उसे हैं जिसके अंदर आपके कंपोनेंट्स जो है वो इंडिविजुअली आइडेंटिफाई ना हो पाए, वो अच्छे तरीके से आपस में डिसॉल्व हो जाए। लेकिन पानी का मिट्टी का ये कॉन्सेप्ट है कि मिट्टी पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होती, तो वो क्या है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है।